अंकल आगे से लेफ्ट ले लो ना, राइट से ज्यादा सही रहेगा। अरे अंकल मैप में तो लेफ्ट वाला रास्ता खाली दिखा रहा है, लेफ्ट ले लीजिए ना। अरे बेटा जब तुम्हारा ये मैप वैप पैदा भी नहीं हुआ था ना तब से गाड़ी चला रहा हूँ, राइट से चलना ही सही रहेगा। अंकल जी घुमा रहे? हाँ घुमा ही तो रहा हूँ आप जैसे लोगों को 40 साल से बम्बई के एक कोने से दूसरे कोने तक। अरे तजुर्बा भी कोई चीज होता है। अंकल को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पर, चैलेंज करके देखे। हाँ यार वैसे भी घूम ही रहे, थोड़ा और घूम लेंगे। नहीं अंकल आपके तजुर्बे पर इतना ही गुरूर है तो एक टेस्ट हो जाए, आजमा के देख लो। अंकल अब बताइए हम किस एरिया में खड़े हैं? सबसे पहले तो तुम लोगों ने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, अब इस बुढ़ापे में मुझे आंख में चोली खिलाओगे क्या? फिर मुझे दूसरी टैक्सी में बिठा दिया। वो जब हमारी ट्रैफिक में गाड़ी रुकी थी ना वहाँ शोर शराबा बहुत था, टेबल दो पे बादशाह, लेकिन वेटरों की आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि हम बादशाह कोल्ड ड्रिंक के आसपास ही कहीं हैं। उससे थोड़ा और आगे जब हम बढ़े एकदम से इत्र की महक आई थी मेरी नाक में, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि भेंडी बाजार के इत्र मार्केट से होकर के गुजर रहे हैं हम। इसी बाजार से ही तो मैंने अपनी बेगम के लिए एक इत्र की शीशी खरीदी थी जिसका असर आज तक मेरी सांसों में है। बम्बई शहर की हर गली की अपनी एक महक है, अलग एक जायका है। फिर एक जगह आप लोगों ने जलेबी पैक कराई थी ना? अंकल आप लेंगे जलेबी? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे जलेबी तो बम्बई में हर जगह मिलती है, लेकिन जब मैंने जबान पर रखी तो मुझे लगा कि ये तो मावा की जलेबी है, और मावा की जलेबी या तो बुरहानपुर वाले के पास मिल सकती है या फिर जे जे जलेबी वाले के पास। उससे मुझे अंदाज लग गया था कि हम मोहम्मद अली रोड के आसपास हैं। जब हम टैक्सी से उतरे तो फिर बड़ी गाड़ियों की आवाज़ कम होती गई, और हाथ गाड़ियाँ हैं, स्कूटर हैं, पैदल चलने वाले हैं, इनकी आवाज़ बढ़ती गई, और मैं समझ गया कि एक भीड़ भाड़ वाली गली में हम पहुँच गए हैं। कहीं फॉरनरों से बार्गेनिंग की आवाज़ें, और कहीं सैंड पेपर और रंदों से लकड़ियों को घिसने की आवाज़ें, कहीं बाबा आदम के ज़माने के टेलीफोन को उंगली से घुमाने की आवाज़, तो कहीं बरसों पुराने पंखों की चरर मरर, और कहीं एक साथ 25 ढोलक घड़ियों की टन टन, कहीं पुराने टाइपराइटरों की दबी दबी सी ठक ठक, तो कहीं पुराने रेडियो और ग्रामोफोन की खरखराहट। अब जहां पर इतने तरह तरह के शोर होंगे उसे शोर बाजार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने शोर को चोर कह करके चोर बाजार बना दिया। हम मटन स्ट्रीट में चोर बाजार के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं इस वक्त, और अगर 2 मिनट और रुक जाएं तो अजान की आवाज भी हमें सुनाई दे सकती है। जिनकी रग रग में सिटी दौड़ती हो ना, वो आंखों से ही नहीं, सांसों से, जुबान से और कानों से भी सिटी देख लेते हैं। रग रग में, रग रग में दौड़े सिटी, रग रग में, रग रग में दौड़े सिटी, रग रग में, रग रग में, रेडियो सिटी 91.1 FM।